ये अगर कोई ताकत है तो वो भारत में है। बेमानी पर बेमानी, घोटाले पर घोटाला, उसके बाद भी दिखा सकते हैं। जब बाहर के लोग मेरे दोस्त यहाँ आते हैं तो वो अपना सिर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि इसको चला कौन? नाम हो सर? सर यही बात तो मैं कहने जा रहा हूं, आप जानते, यही कहते राम भरोसा। सर इस मिट्टी में कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं, कुछ ऐसे फकीर हैं जिनकी ताकत से ये देश चल रहा है मेरे दोस्त, और इस देश का विनाश कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कसाई के घोंसले से गाय नहीं मरती मेरे दोस्त, कसाई के घोंसले से गाय नहीं मरती। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, और अगर समय कितना है सर, उसी अनुसार चलना चाहूंगा, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टाइम क्या हो गया वैसे? है बज गया दो। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, आप लोगों को भूख भी लगी होगी, लेकिन चीज मेरे पास इतनी अच्छी थी, चीज मैं चाहता था शेयर करूं, लेकिन समय का अभाव है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। बताना चाह रहा हूं एक चीज, आप कीजिए सर प्लीज। सर नहीं नहीं सर, बंद करना कर सकते क्या? नहीं प्लीज 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 सर, नहीं 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 सर, नहीं सर, अगर आपको कोई काम है तो ये कह दो, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं शेयर कर लेता हूं सर, ये तो सब महिमा है उनकी जिन्होंने बुलाया, मैं इस पर तर्क नहीं करें हम लोग। मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर कि एक चीज याद रखिएगा, हम लोग आज हम लोग इतने उम्रदार हो गए, यहाँ पे जितने सामने बैठे हैं मेरे को लगता है कि सारे लोग 35 से ऊपर हैं, सारे के यहाँ पे हम सामने बैठे हैं, जिन पर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सवाल एक जवाब दो और दोनों सही होते हैं। मैं सर के लिए कह रहा हूं क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए, वो भी गलत नहीं है, उनकी भी अपनी कोई समस्या है, क्योंकि वो आए थे 2 बजे के लिए और उनका कहीं हो सकता है अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मेरे दोस्त अगर बहुत जरूरी है आप जा सकते हैं। सवाल एक जवाब दो और दोनों सही होते हैं, आप किसी को गलत नहीं कह सकते। 18 साल 20 साल किसी बच्चे से आप पूछिए, बेटा तुम जो चाहते हो कर लेते हो, तो उसका जवाब होता है मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। सही सही है। और 60 साल के ऊपर किसी आदमी से आप पूछिए, बाबा आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो वो कहता है बेटा जो वो चाहता है वही होता है, जो मैं चाहता हूं वो। दोनों सही है। एक तरफ इसका जोश बोल रहा है, जुनून बोल रहा है, एक नई ताकत और उमंग बोल रही है, एक तरफ उसका गिरता हुआ शरीर और उसका अध्यात्म बोल रहा है। सही है ना? तो किसी को गलत में ठहराइए मेरे दोस्त, वो भी सही है। आप पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम लोग बात कर रहे सर, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और जिस दिन आप पॉजिटिव हो जाएंगे मेरे दोस्त, जिस दिन, उस दिन पैसा बरसेगा आपके पास। पॉजिटिव के लिए बहुत बहुत आपको सहनशील, मैंने कहा ना, जो आदमी संयमी नहीं होता है, जो अपने पर शासन नहीं कर सकता है, वो ताउम्र दूसरों का गुलाम होता है। अपने पर शासन करना सीख लीजिए, एक कसम खा लीजिए कि मैं नेगेटिव नहीं रहूंगा, मैं पॉजिटिव काम करूंगा। और अपने एक तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो मैं मेरे चलते ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये विधि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं मेरे दोस्त जिसका समाधान नहीं है, संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और जिसका समाधान नहीं वो समस्या नहीं है मेरे दोस्त, वो विधि का निधान है, वो भी दिखा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, कोई समस्या ऐसी नहीं। अगर समस्या नहीं है, उसका समाधान नहीं है, तो ये मान लीजिए कि ये उसकी रूपरेखा है, उसको फिर उसको आप चैलेंज। इसलिए मैं इस बात से आगे चलता हूं, मैं एक बात आपसे कहूं कि यू हैव टू चेंज यू सर, और अपने आप को पहचानिए मेरे दोस्त, अपनी ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, मेरे को लगता है कि आप बहुत विशाल काम कर पाएंगे। हम लोग की हालत क्या है? उसी महावत की तरह है, हम लोग महावत की तरह एक एक एक, एक, एक मैंने क्या हाल हो गया है हमारा,
वो मस्त हाथी होता है ना सर, हम में जोश है, जुनून है, सब कुछ है, लेकिन हमको अपनी ताकत का एक मामूली सा महावत इतनी छोटी सी छुरी को लेकर के उस हाथी को ऐसे ऐसे घुमाता है, उसको बैठाता है, उठाता है, दौड़ाता है, राइट है? अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस हाथी को उसकी ताकत का एहसास करा दिया जाए तो क्या वो महावत उसके सिर पर बैठ सकता है? तो मेरे दोस्त अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, आप क्या नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते सर? एनडीआरटी की बात छोड़िए, एक ही आदमी यहां पर बैठा हुआ बिल्कुल नहीं कर सकता है सर, मैं बताता हूं, संकल्पित हो जाए, भाव से संकल्पित हो जाए, आप जो चाहते हो वो कर रहे हो तो फिर एनडीआरटी क्यों नहीं? क्योंकि चाहत नहीं मेरे दोस्त, जिस दिन चाहत आपकी हो जाएगी, आप संकल्पित हो जाएंगे कि मेरा वन टू वन प्रोग्राम यह है, तो उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। कहा गया है कि ग्रह होते हैं ना, आप अपने बच्चों की शादी करते हो तो कुंडली बनाते हो ना, हेलो बनाते हैं ना, तो उसमें नौ ग्रह होते हैं और नौ ग्रहों के अलग अलग देवता होते हैं, उनके मंत्र अलग अलग होते हैं। तो कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रेमचंद जीवाल नहीं कह रहा सर, ये शास्त्र कह रहा है कि मनुष्य ग्रहों के अधीन होता है और ग्रह देवताओं के अधीन होते हैं और देवता मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र साधना के अधीन होता है और साधना साधक के अधीन होता है और साधक कर्म के अधीन होता है और कर्म मनुष्य के अधीन होता है, अर्थात मनुष्य सृष्टि। ये मनुष्य ही है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ कुछ। मेरे को उधम सिंह जी की याद आ गई, आपको पता होगा उधम सिंह कौन है, पता होगा सबको पता होगा, अगर नहीं है तो मेरे दोस्त जाने वाला बात तो पता है, है? जिसको जनरल डायर में घूमवाया था, वो तो याद है सर, है पढ़े तो सर, जनरल डायर ने जब जलिए वाले बाग में घूम दिया तो उस दीवार के बाहर में एक हमारा भाई था देशभक्त हिंदुस्तानी, वो था उधम सिंह, आज यूपी में उसके नाम से एक नगर है उधम सिंह, ठीक है सर। संकल्प किसको कहते हैं, उस आदमी से पूछिए, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन सर उन्होंने जब ये हुआ तो उन्होंने एक संकल्प किया था कि मैं जनरल डायर को मारूंगा, मैं जनरल डायर को मारूंगा। और सर आपको पता होगा ये हमारा हिंदुस्तानी, ये हमारा भाई पढ़ने के बहाने इंग्लैंड गया, पढ़ने के बहाने इंग्लैंड गया और 20 साल के बाद उस पार्लियामेंट में जनरल डायर को उसने गोली मारी। संकल्प का विकल्प नहीं होता मेरे दोस्त, आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव इतना पॉजिटिव बनिए, इतना पॉजिटिव बनिए कि लोगों को आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अभी आपसे कोई पूछता भाई साहब कैसे हैं तो आप क्या बोलते हैं, चल रहा है यार, मार्केट मंदा है भाई। अरे मेरे दोस्त एक मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, समझना मेरे भाई, आप सब बाल बच्चेदार हो, समझना इस बात को, यहां पर कोने में एक बच्चा खड़ा है और मैं और भाई साहब दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनको पता नहीं है कि वो बच्चा मेरा है, इनको पता नहीं है कि वो बच्चा मेरा है, और ये वहां से मिलके आए और मेरे से कह रहे हैं, जीवा भाई लोग जब बच्चे को पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? सर सुनिएगा सर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं है? ये मेरे से क्या कह रहे हैं जीवाल भाई, क्योंकि इनको पता है नहीं, मैं जानता हूं उसी प्रोसेस में कैसे कर रहा हूं, ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं मेरे से जीवाल भाई, जब लोग एक अच्छी परवरिश नहीं कर सकते तो बच्चा पैदा क्यों करते हैं? तो भाई साहब मेरे को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, प्लीज मुंह से बोलिए, भगवान ने आपको जुबान दी है, बोलिए बुरा लगेगा। जब आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब कैसे हो तो आप बोलते हैं, यार चल रहा है, ये आवाज जिसके आप पुत्र हैं वो सुन रहा है और उसको ये लगता है कि मैंने इसको शकल दी, सूरत दी, इसको मैंने सारी चीजें दी, संसार की सारी सुविधाएं दी, उसके बाद ये खुश नहीं है और लाचार है और मेरा लोगों के बीच में एडवोकेसी कर रहा है कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, उसको अच्छा लगेगा क्या? बहुत गहरी बात, आज से कोई आपसे बोले भाई साहब कैसे हैं, बहुत अच्छे, कैसे हैं बहुत अच्छे, और इससे अच्छा
जीवित हो जाएगा कि करोड़ों अरबों मैंने पैदा किए, एक तो खुशक इसको और खुशी। तो आज से अगर पूछेगा कैसे है तो क्या कहेंगे? अरे जोर से बोलो, कैसे हो? बहुत लोग वैसे ही हैं अभी। अरे भाई साहब कैसे हो? इससे अच्छा अब उसकी भी ताकत नहीं है, इससे अच्छा है ना सर। ये जब आप कहना शुरू करेंगे मार्केट में तो पहले पहले आपको क्या कमेंट आएगा पता है? कि पागल हो गए। और कुछ लोग तो बोलेगा मोटा माल कहीं से मार लिया, बात कहेंगे कि नहीं? ये दोनों बात आएंगे, या तो बोलेगा साला कहीं ना कहीं मोटा मार लिया, और या तो बोलेंगे समय कैसे, ठीक है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं भाई साहब, आप खसकोगे नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आदमी आपसे खिसक सकते, खिसकने का मतलब समझ। आपको यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। एक गांव में सूखा पड़ गया और लोगों ने मैंने इंद्र महाराज को खुश करने के लिए यज्ञ किया, और यह कहकर गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज इंद्र भगवान यहां पर हो रही है और इंद्र भगवान बरसेंगे। सारे लोग गांव के गए, एक गांव का बच्चा छाता लेकर के गया, एक गांव का बच्चा छाता लेकर के उस हवन में गया, और हवन हुई और लोगों ने कहा अब पानी होगा, अब इंद्र बरसेंगे। और ये सुन करके बच्चे ने छाता खोल दिया और इंद्र महाराज ने उस छाते को देख करके वहां बरस गए। ऐसे नहीं बरस निष्ठा, मैंने कहा कहीं विश्व में कहीं चले जाओ मेरे दोस्त, निष्ठा एक ऐसा विषय है जहां आप संकल्पित हो जाइए, दिल से उस काम को कीजिए, वो परिणाम देता है, वो निश्चित देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, शास्त्र ये कहता है कि अगर आपका पूजा करने का स्थान निश्चित है, अगर पूजा करने की दिशा निश्चित है, पूजा करने का इष्ट निश्चित है, पूजा करने का मंत्र निश्चित है, पूजा करने का काल निश्चित है, तो फल निश्चित है। ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं उसको आप करके देखिए, अगर काम नहीं हो तो आप बताइए। कहते हैं कि धरती की शान तू है, मानव की संतान तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे पहाड़ पर्वतों को फोड़ दे, तू जो चाहे पहाड़ पर्वतों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रूप को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण तुझको मिला है वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। नहीं कर सकते सर, मेरे को बताइए क्या नहीं कर सकते? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं? क्या सुन रहा हूं सर? अरे मुंह से बोलो यार, कर सकते हो ना सर? पेन आ गए सर, सर मैं थोड़े से पीछे रोके एक ऐसी बात कहूंगा आपको, शायद आप अपने जीवन काल में इसको भूल नहीं पाएंगे। बैठ जा भाई, भाई साहब बैठ जाइए। अभी मैंने कहा था इतना बड़ा टॉपिक एक संकट के ऊपर गिरा और कुछ लोगों ने 25-50 लोगों ने हाथ उठाए थे। मैं उन तमाम लोगों से ये विनती करूंगा कि मैंने क्या कहा सर, ये 21 तारीख, ये 12 है ना? हेलो, ये 12 है ना? कुछ लोगों ने हाथ उठाया था और मैं सर बता रहा हूं, धर्म से बता रहा हूं आपको, आपकी बीवी की कसम, आपके बच्चों की कसम, झूठा हाथ मत उठाना मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अगर अपने प्रोफेशन से मजा नहीं कर सकते हो हाथ मत उठाना, और यहां पर अगर दम है और अगर उस पर विश्वास है, अपने प्रोफेशन पर विश्वास है जिससे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हाथ उठाना। और निष्ठा होगी, मैं कह रहा हूं कि पूरा होगा, ये उसका पता है। इसलिए जो 12 जो 31 दिसंबर तक ये मैंने हल्का सा एक कैलकुलेशन किया है, 12 पॉलिसी जो दे रहे हैं वो हाथ उठाना है। और सबसे पहले एक 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 दौड़ के जाए, मर्द है मत की तरफ जाइए, दौड़ के जाए सर, नाम लिखाइए और 12 पॉलिसी
भाई और नाम लिखाइए और अपने प्रोफेशन से सर बाकी लोग बैठ जाए और मैं आपको बता रहा हूं जिन लोगों को उठना है वो जाइए सर बाहर नहीं जाएंगे सर आप लोगों का कसम हेलो हेलो भाई साहब सर अगर बाहर अगर जा रहे हैं तो गलत बात आप सुन लीजिएगा ठीक है जाने दीजिए समझ बात है अरे भैया ऐसा है 24 कैरेट का सुना होता भाई साहब हेलो 24 कैरेट का सुना होता है ना उसमें 2 कैरेट खाद मिलाना पड़ता है नहीं तो बनेगा तो ये 2 कैरेट खाद वाले हैं थोड़ा कंप्रोमाइज अपने को भी करना पड़ेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं सर आप शेर हैं शेर रहेंगे और एक चीज बता दो भाई साहब शेर शायर और सरिता शेर शायर और सरिता शेर दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता शायर दूसरे का लिखा हुआ पढ़ता नहीं और सरिता आरआरडीए के बनाए हुए नक्शे पर नहीं चलती अपना रास्ता खुद तय करती है और चौथा कोई आदमी है वो एलआईसी का एजेंट है जो अपना रास्ता खुद तय करती है दोस्त आप लोग नाम लिखाइए फिर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मिस करेंगे कर देंगे एक सिख को 1,25,000 से भिड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहता ठीक है माने एक एक एजेंट ऐसा हो जो अपने आप में हीरा हो जाए बस अपनी बात का असर उन पर होना चाहिए और हर जगह भीड़ होती है भाई साहब आप घर में परिवार में भी आप देखेंगे 4 भाई हैं काम करने वाला एक ही होता है वही गाली सुनता है वही करता भी बहन वो सबकी होती है उसी प्रकार समाज होता है सोसाइटी होती है करने वाले 4 होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले 40 होते हैं ये हर जगह होता है ये इसलिए होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि 1 किलो सूप के साथ 250 ग्राम दूध का होना अनिवार्य है 1 किलो सुख के साथ 250 ग्राम दुख का होना अनिवार्य है अगर 250 ग्राम दुख नहीं होगा तो आपको सुख सुख नहीं लगेगा एक चीज बताइए भाई साहब आप जानते होंगे ये एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे की पहचान है एक दूसरे की दौलत है अगर मनुष्य नहीं अगर पुरुष नहीं हो तो औरत को कोई पूछेगा तो औरत नहीं हो तो पुरुष को कोई पूछेगा चोर नहीं हो तो सिपाही को कोई पूछेगा दिन नहीं हो रात को कोई पूछेगा धर्म नहीं हो पाप को कोई पूछेगा पाप नहीं हो धर्म को कोई पूछेगा ये इसके अब वो आपकी पहचान है आप अच्छे हैं किस लिए क्योंकि इतने लोग जो चले गए इनके चलते अच्छे नहीं तो आपकी पहचान क्या है आपकी पहचान क्या है यही लोग आपकी पहचान है अरे आप हंस रहे हर आदमी की पहचान कोई ना कोई होता है और हर आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कोई दूसरा होता है वो खुद नहीं होता है जब तक कंपटीशन का आदमी बगल में नहीं होगा तब तक आपकी पूजा होने वाली ये तो ओपन फैक्ट मेरे दोस्त इस प्रोफेशन में आए हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ूंगा कि अपनी वाणी को मधुर कीजिए और अपने को एकदम इस लाइफ बना दीजिए कि आपके मुंह से जो निकले वो एक अमृत की वाणी हो आप अगले को ये लगे कि ये आदमी मेरे लिए कह रहा है मेरे हक में कह रहा है मेरे भले के लिए कह रहा है आपको पॉलिसी की बिजनेस की कमी नहीं है इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं आपकी उम्र इतनी हो गई है मेरी 52 क्रॉस हो गई है लेकिन मैं एक बात कहता हूं पूछता हूं साहब से भाई साहब ये बताइए कि आदमी जब पैदा होता है तो जीभ पहले आती है या दांत राइट है? क्या आती है भाई साहब जोर से बोलो यार जी और आदमी जब 100 साल का होता है मरने को होता है तो पहले जीभ जाती है या दांत आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कठोर तो बहुत लोग हैं टाइम चले गए बाद में आया था भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है लेकिन वो 25% उन्होंने सही कहा है लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब इतनी उम्र हो गई आपकी आप भी इतने बड़े बुद्धिजीवी जीव हैं लेकिन इस विषय पर कभी आपने सही में सोचा है कि ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त जीव
उस परमपिता परमेश्वर का कहना है कि अगर तुम्हारा जीवन जीव की तरह निर्मल कोमल और सहनशील रहेगा तो इस संसार में तुम पहले आओगे और बाद में जाओगे, और अगर तुम्हारा जीवन दांत की तरह नुकीला कटीला और तीखीला होगा तो बाद में आओगे और पहले। समझे? हर चीज का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्त। हर चीज है, हर चीज में। आपने कभी सोचा हंसी का मत, सौगंध है आपको आपकी माँ की, आपके बाप की, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की। भगवान ने भाई साहब आप मां कितने दी, जोर से बोलो, दो आप कितने दिए, कान कितने दिए, नाक के छेद कितने दिए, होठ के लेयर कितने दिए, दांत के लेयर कितने दिए, हैं अंडकोश कितने दिए, किडनी कितने दी, पैर कितने दिए, दो, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जीव एक क्यों, लिंग एक क्यों, और ये एक तो बाकी दो क्यों, कभी शायद आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस दिन सोच लोगे मेरे दोस्त, लोग आपके पैर में, जीवन चला गया खाली से, जमीन को जिंदा रखते हुए काम करो मेरे दोस्त, जमीन को जिंदा रखते हुए काम। मरण और स्मरण दो शब्द हैं जीवन में, और इनको देख लो, आदमी कमाता है खाता है मर जाता है उसको मरण कहते हैं, आदमी कमाता है खाता है लोगों को खिलाता है उसको स्मरण कहते हैं। आप पर डिसाइड है कि आपको अपना नाम मरण में लिखाना है कि स्मरण में लिखाना है। ये प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में चरित्र बहुत बड़ी चीज है, इस चरित्र पर अपना ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इस चरित्र को बनाए रखिए। दुनिया का बेईमान से बेईमान आदमी एक ईमानदार नौकर खोजता है, क्यों? दुनिया का बेईमान से बेईमान आदमी एक ईमानदार नौकर खोजता है, क्यों? क्योंकि ईमानदार की कीमत कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। अंत में एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, कि निर्बल